अपने पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड होने से ही एक प्रोफेशनल ब्लैक बैकग्राउंड अचीव नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपका बैकग्राउंड जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लाइटिंग, और उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका कलर ग्रेडिंग। और आज के इस वीडियो में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा जानकारी मिलने वाला है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी फोटो या फिर वीडियो के लिए एक प्रोफेशनल ब्लैक बैकग्राउंड क्रिएट कर पाओगे। सो स्टेप नंबर वन, ब्लैक बैकग्राउंड। जिसके लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप अपने पीछे की जो दीवार है उसको ब्लैक या फिर डार्क ग्रे कलर में पेंट कर दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। या फिर इसके अलावा भी आप ब्लैक कलर का जो कार्टेन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर लगभग 200 से 300 रुपये में मिल जाता है। सो उस कार्टेन को आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अपना कुछ जुगाड़ लगाकर एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड क्रिएट कर लीजिए। स्टेप नंबर टू, लाइटिंग। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर लाइटिंग से ही आप एक प्रोफेशनल ब्लैक बैकग्राउंड अचीव कर सकते हो, और एक प्रोफेशनल ब्लैक बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए आपका जो लाइटिंग सेटअप है वो उतना कॉम्प्लेक्स होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली 2 या फिर 3 लाइट लाइटिंग सेटअप से ही एक प्रोफेशनल ब्लैक बैकग्राउंड अचीव कर सकते हो। मैं यहाँ पर 3 लाइट लाइटिंग सेटअप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। मेरा जो की लाइट है वो मेरे बॉडी के राइट साइड में 45 डिग्री के एंगल में है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉडी के जो राइट साइड का एरिया है वहाँ पर लाइट दे रहा है, और आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के जो एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा शैडो इफेक्ट है। और उस शैडो को किल करने के लिए मैं एक फिल लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से 45 डिग्री के एंगल में, और उसका इंटेंसिटी कम है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा शैडो चाहिए, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा शैडो मेरे को चाहिए, तो इसीलिए इसका इंटेंसिटी कम है। नाउ यहाँ पर रूल सिंपल है, आपके बॉडी के ऊपर जितना लाइट होगा आपका जो बैकग्राउंड है वो उतना ही ज़्यादा डार्क होगा। तो मेक श्योर आपका जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी के ऊपर आकर के गिर रहा है, आपके बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा लाइट नहीं जाना चाहिए। नाउ आप देख सकते हो ये ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, पर मेरे जो हेयर्स है वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो रहा है, बिकॉज हेयर भी ब्लैक है और बैकग्राउंड भी ब्लैक है। तो यहाँ पर मेरे को एक हेयर लाइट यानी कि एक रिम लाइट का इस्तेमाल करना होगा, जो कि मुझको अपना जो बैकग्राउंड है उससे सेपरेट करेगा, और इसको मैं इस्तेमाल करूंगा मेरा जो की लाइट है उसके ठीक ऑपोजिट पीछे की तरफ, थोड़ा ऊपर इसको मैं प्लेस कर दूंगा। और इसके लिए मैं एक RGB पैनल का इस्तेमाल करूंगा, ताकि हर वीडियो या फिर हर फोटो के लिए मैं अलग अलग कलर में चेंज कर पाऊँ। और रिम लाइट को प्लेस कर देने के बाद आप देख सकते हो मेरा जो बॉडी है वो बैकग्राउंड से सेपरेट हो रहा है, और मेरा जो हेयर्स है वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सिंपल लाइटिंग सेटअप। अभी कलर ग्रेडिंग के ऊपर आते हैं। अब कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस सिंपल है, और हर एक वीडियो एडिटर के अंदर आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप अपने वीडियो की जो एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, फिर जो हाईलाइट है उसको आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, फिर जो शैडो है उसको आप थोड़ा सा रिकवर कर लीजिए। देन आपके वीडियो एडिटर के अंदर अगर ब्लैक्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन है तो आप ब्लैक्स को नीचे की तरफ लेकर के जाइए, और ब्लैक्स को जैसे आप नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाएगा। और अगर आपके वीडियो एडिटर में ब्लैक्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं है तो आप कर्व के अंदर जाइए और कुछ इस तरीके से कर्व को एडजस्ट करिए, फिर आप देखेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करती हुई आप अपने फोटो या फिर वीडियो के लिए एक प्रोफेशनल ब्लैक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर कर देना, और इस तरीके की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।